तो CSE के DGPay में अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। चलिए इसको हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे, लाइव करके दिखाएंगे, तो वीडियो पे शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। सॉल्यूशन बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले चलिए हम अपना DGPay ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि DGPay आपका अपडेट होना चाहिए, न्यू लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम DGPay अपना ओपन कर लेते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि हम CSE से रिलेटेड इसका ID देते हैं, किसी को चाहिए तो वो आप लोग ले सकते हैं। किसान के लिए eKYC, PM किसान के लिए वो भी उसका ID मिल जाएगा। फिनो पैन बैंक, NSDL पैन बैंक, थम लगा के, फिंगर लगा के पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। चलिए हम DGPay ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देते हैं, जनरेट OTP पे। इसके बाद चलिए जैसे ही आप लोग यहाँ पे फिंगर देना चाहते हैं तो उस टाइम आप लोगों का फिंगर नहीं लेता है, कुछ इरर आ जाता है। चलिए आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड, प्लीज़ कनेक्ट योर डिवाइस फर्स्ट, ये चीज़ बोल रहा है, जबकि मेरा डिवाइस कनेक्ट है ऑलरेडी। तो इस तरह क्यों आ रहा है, चलिए आप लोगों को ये प्रॉब्लम बताते हैं। तो जैसे ही आप लोग ये काम करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे फिंगर लगाना चाहते हैं, तो फिंगर लगाते वक्त उस टाइम आपको आपका जो भी डिवाइस है मोर्फो मंत्रा वो आपको रिमूव कर देना, हटा देना है। और देखिए यहाँ पे हम हटा के फिर से लगा दिए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा ले लेगा, अभी कनेक्ट हो जाएगा, देखिए लॉगिन हो चुका है। तो यही सिंपल तरीका है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे फिंगर का ऑप्शन आता है तो आप लोग फिंगर नहीं देने से पहले आपको डिवाइस को हटा लेना है, मतलब सारा चीज़ फिलअप कर देना है। जब यहाँ पे फिंगर का ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे आप लोगों को उस टाइम आपको डिवाइस लगाना है, या तो फिर 2-3 बार डिवाइस खोल के कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद चेक कर लेना, सेम चीज़ आप लोग मोबाइल में भी कर सकते हैं, अपना PC कंप्यूटर सेम चीज़ है। वहाँ पे डिवाइस बाद में लगाना है, शुरू में नहीं, बाद में लगा के यहाँ पे कनेक्ट करके तब फिंगर लगाना है, आपका हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो थैंक यू, अच्छा लगे तो।